Hello student, so I am ready to teach you another poem. As I have written already, the rain on the roof, the rain on the roof, and it is composed by, and means the poet name is Coates Kenny. It is based on, as the title shows, the rain on the roof. Rain on the roof means barish jab hamari chhat par hoti hai. Barish jab chhat par hoti hai. To yahan par ek bahut khoobsurat sa description hai rain ke bare mein, which reminds us old memories, which called nostalgia. Nostalgia means ओल्ड मेमोरीज, हमारी पुरानी यादें. तो इसमें जो पोएट है वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है बारिश के थ्रू. जब बारिश होती है और उसकी जो बूंदें हैं वो उसके रूफ पर गिरती हैं, तो वो कैसी, उसको कौन कौन सी अच्छी बुरी, सैड हैप्पी, सारी मेमोरीज जो हैं वो माइंड में एक इमेज के रूप में आ जाती है. तो हम आपको आज इसी पोयम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? So, as you have seen, when the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weaves in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. That here some meanings I want to explain you. Humid means full of moisture. Shadow hover means clouds, and as we know, clouds are always in dark color and symbolizes the melancholy. Melancholy means sadness. Okay, starry space, तारों से भरा हुआ आसमान. नाउ इसके पूरे डिस्क्रिप्शन बताने के लिए कि जब जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, जब वो उनकी जो शैडो छाया होती है, ऑल ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, आसमान में तारे भरे हुए हैं, एंड द मेलनकोली डार्कनेस, यानी मेलनकोली मीन्स सैडनेस, जो दुख है या सैडनेस है वो किसको इंडिकेट करती है, डार्कनेस को, अंधेरे को. जेंटली वेव्स इन द रेनी टीयर्स मींस वो जो सैडनेस है ना वो रो रही है. टीयर्स मींस आंसू. यहां पर बता रहे हैं आपको पोएट कि जो बादलों का जो या पोएट का जो दुख है वो बारिश के रूप में, मींस बारिश के रूप में आंसुओं के तरीके से बह रहा. What a bliss to press the pillow. As we know, हम लोग जब अपने घर में होते हैं तो सबसे अच्छा हमको क्या लगता है, हमारा बेड, और उस बेड पर पड़ा हुआ पिलो. और what a bliss to press the pillow, कितना अच्छा लगता है जब हम अपने ही of a cottage chamber bed, cottage chamber bed जो होता है वो थोड़ा सा normal bed से थोड़ा सा छोटा होता है. तो यहाँ पॉइंट कहना चाहता है कि जब मैं अपने घर के या अपने कमरे के बेड, अपने बेडरूम के बेड पर अपने पिलो को, पिलो पर लेट जाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है. एंड लाई लिसनिंग द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर अहेड, मींस मैं लेटा हुआ हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ. लिसन द पैटर, पैटर मींस द साउंड ऑफ रेन, बहुत ज्यादा वाली साउंड नहीं, जो हल्की हल्की बारिश होती है उसके लिए बता रहा है. मैं अपने सिर के ऊपर, सिर के ऊपर मीन्स सिर के ऊपर तो रूफ होती है, और रूफ पर
ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो वो कह रहा है कि मैं उनको सुन करके बहुत खुश हो जाता हूं। हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। टिंकल ऑन द शिंगल्स मीन्स, टिंकल्स मीन्स बारिश की बूंद, और सिंगल्स मीन्स होता है पेबल्स। पेबल्स मीन्स गोल गोल जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं उनको कहते हैं। हैज एन इको इन द हार्ट मीन्स यहाँ पर जो पेबल्स है वो बारिश की बूंद है। बारिश की बूंद जब हमारी रूह पर गिरती है, रूह पर हमारी गिरती है, तो वो इको इको साउंड क्रिएट करती है जो मेरे दिल तक पहुंच जाती है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मींस फैंसीज, फैंसीज मींस सपने, ड्रीमी फैंसीज काल्पनिक चीजें, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट मींस जो मेरे हमारे अंदर जो भी रिकलेक्शन है, मेमोरीज का कलेक्शन होता है, उसको वो बारिश की बूंदें हमें वो सारी चीजों को याद दिला देती है, हमारी ओल्ड मेमोरीज जो है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। वूफ हम कह सकते हैं यहां पर कपड़े को, मींस एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन जो हजारों यादें हैं हमारी, जो हमको हमने अपने पास्ट में जो भी काम किए हैं वो सारी जो यादें हैं वीव, वो बुनती हैं। क्या बुनती हैं? देयर एयर थ्रेड इन द वूफ। थ्रेड मीन्स तो पता है आपको धागा होता है, और वूफ मीन्स कपड़ा होता है, और धागा जब बिना जाता है तभी वो एक कपड़ा बनता है। मींस क्या होता है कि हमारी जो यादें हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज को देखकर जब हमें कुछ याद आता है तो उससे जुड़ी हुई सारी बातें, सारी बातें में सारी इमेजिनेशन जो होती है वो हमारे माइंड में पिक्चर की तरह क्लियर हो जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। कब आता है मुझे सब कुछ याद? जब मैं अपनी रूफ पर बारिश की बूंदों को सुनता हूं। नाउ लास्ट पैराग्राफ। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। अब यहां पर पोएट जो है वो अपनी माँ को याद करता है कि मेरी मेमोरी में, मेरी यादों में मेरी माँ आती है। As she used in years agone, जैसे कि पहले आती थी। Agone means पहले, यानी जब बचपन में maybe poet जो है वो बहुत near dear रहे हैं अपने मदर के, maybe वो छोटे बच्चे होंगे यानी उनके little son, या फिर वो elder one होंगे maybe, तो बता रही बताना चाहते हैं poet कि मेरी माँ जो है वे मेरे फ्रेंसीज, मेरी यादों में आती है, मेरी मेमोरी में आती है, जैसे कि वो पहले आया करती थी बचपन में, जैसा वो महसूस करते थे माँ के आने पर वैसे। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर एट शिप लैफ्ट डैम टिल द डाउन। डाउन मीन्स सुबह तक, जैसे कि रात में वो बताते हैं कि हम लोग सो जाते थे तो मम्मा हम लोगों को चेक करने आती थी कि हम प्रॉपर सो रहे हैं, हमने चादर ओढ़ रखी है, हम कंफर्टेबल हैं या नहीं, मतलब शी लुक आफ्टर, क्योंकि रात से सुबह तक का टाइम थोड़ा सा टाइम मतलब गैप होता है बीच में, तो उस बीच भी माँ हम बच्चों को देखने आती थी, और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा हमारे लिए वो केयरफुल रहती थी। Oh, I feel her fond look on me. अब राइट पोएट जो है मतलब इतने बड़े होने के बाद भी अपने बचपन में जा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मैं महसूस करता था अपनी माँ का वो प्यार भरा लुक। लुक मीन्स यहाँ कहेंगे वो कितने प्यार से हमको देखती थी, कितने प्यार से हमारी केयर करती थी। As I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of As I list to this refrain, which is played upon the shingles, means जैसी ही बारिश की बूंदें, singles as I already explained you कि singles means, singles means होता है pebbles, और यहाँ pebbles क्या है? बारिश की बूंदें। तो बारिश की बूंदें जब मेरी रूफ पर पड़ती हैं और उन बारिश की बूंदों की आवाज से जो मुझे याद आता है वो उन्हीं मेमोरीज को इस पोयम में पोएट ने बताने की कोशिश की है। तो आई थिंक
इस पूरी पोयम में आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी. सो थैंक यू.